दोस्तों, आप गमले में लगाकर आसानी से नींबू के पौधे को भी उगा सकते हैं। ये सारी ग्राफ्टेड प्लांट से है, जिसे आप गमले में लगाते हैं तो 6 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाती है। तो मैं गमले और गार्डन में कौन कौन से वैरायटी को आप लगाना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, सितंबर का महीना बहुत ही उपयुक्त होता है फ्रूट प्लांट्स को लगाने का। तो आप नींबू के ऐसे प्रजाति के पौधे को गमले में लगाइए या गार्डन में लगाइए, जो आसानी से लग जाते हैं और बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है। उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे प्लांट्स आपको 60 से लेकर 150 रुपये में मिल जाएंगे किसी भी नर्सरी में। आप लाइए और आसानी से इन सारे पौधे को घर में लगाइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप नींबू के कौन कौन से पौधे को या कौन कौन से प्रजाति के गमले में लगाना है या गार्डन में लगाना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आपको मैं ऐसे नींबू के पौधे के बारे में बताऊंगा जो सालों भर आपके गमले एवं गार्डन में भरे रहेंगे और ढेर सारे फ्रूटिंग होंगे। ये सभी ग्राफ्टिंग प्लांट है और बेहद ही सस्ते होते हैं, तो इसे आप इस मौसम में लगाइए, आसानी से लग जाते हैं और ढेर सारे फ्रूटिंग चालू हो जाएंगे आपको 6 महीने के अंतराल के बाद। अगर मेरे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो में नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाए। दोस्तों, गमले में नींबू के पौधे को लगाना बेहद ही आसान है, लेकिन इसकी उचित देखभाल नहीं होने के कारण ही आपके नींबू के पौधे में फूल और फल नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं। मिट्टी में आप बर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर, नीम खली, गार्डन सॉयल और रिवर सेंट को मिक्स करके पौधे को लगाइए, आसानी से लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको गमले में लगने की सबसे अच्छी वेरायटी होती है कागजी नींबू, बारामासी नींबू, गंधराज नींबू, फोर्डियारिम, करण और जायबीरा, जिसमें सबसे अच्छी वेरायटी होती है आपकी गंधराज, कागजी एवं बारामासी, जो कि साल ओवर फ्रूटिंग देता है गमले में लगे पौधे में। दोस्तों, गमले में लगने की सबसे अच्छी वेरायटी आपकी 3 होती है। तो पहला बारामासी नींबू का पौधा होता है, इस पौधे को लगाइए, 6 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है और सालों भर इसमें आपके फल नजर आते हैं। एक फल खत्म नहीं होता है कि दूसरा फल चालू हो जाता है। तो इस पौधे को गमले में लगाइए, एक गमले में लगाने की सबसे अच्छी वैरायटी होती है और इसकी साइज भी बहुत बड़े बड़े होती है और रसीला होता है। उसके बाद आप कागजी लेमन ट्री को लगाइए, यह भी लेमन बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और साइज इसके बड़े बड़े होते हैं और पूरा रसीला होता है और गमले में ये भी अच्छे से लग जाता है और यह साल में 2 बार आपका फ्रूटिंग होता है। उसके बाद दोस्तों, आप गंधराज नींबू के पौधे को लगाइए, इसके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं और यह पूरा रसीला होता है और यह भी गमले में आसानी से लग जाता है और इसकी 4 से 5 फीट हाइट होती है और ये 1 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है। यह भी साल में आपको 2 बार फल देता है। तो इन 3 वैरायटी के पौधे को गमले में लगाकर आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं गार्डन में कौन कौन से पौधे को लगाना उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पूसा अभिनंदन, पूसा उदित, बालाजी वन, यूरेका लेमन, लिम्बस लेमन, कागजी काला, पूसा लेमन, एसिड लाइम नींबू। लेकिन सबसे अच्छे गार्डन में लगाने की वैरायटी पूसा उदित और पूसा अभिनय होता है, जो प्रायः सभी घरों में पाया जाता है और इसके बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में खेती की जाती है। दोस्तों देखिए, यह पूसा उदित का पौधा है, इसे आप गार्डन में लगाइए। इसके हाइट 8 से 10 फीट तक लास्ट जाएगी और 1 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू होता है। इसकी कीमत 80 रुपये है दोस्तों। तो इस समय इस पौधे को लगाइए, आसानी से ग्रो करेगा। उसके बाद पूसा अभिनय होता है दोस्तों, यह भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है गार्डन में लगाने की। इसकी भी हाइट 6 से 7 फीट लास्ट जाएगी और पूरे सैकड़ों की संख्या में फ्रूटिंग चालू होता है इस पौधे में 1 साल के बाद। दोस्तों, ये ऐसे 2 वैरायटी है जिसे आप अगर गार्डन में ऐड करते हैं तो यह 1 साल के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाता है और यह गार्डन में लगने की सबसे अच्छी वैरायटी होती है। उसके बाद यूरेका नींबू को लगाइए, या इसके नींबू की साइज बड़ी बड़ी होती है और इसके ज़्यादातर आपको उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। उसके बाद लिम्बस नींबू के पौधे को भी लगाइए, यह भी पौधा साल भर के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है और गार्डन में लगने की सबसे अच्छी वैरायटी है। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। उसके बाद गमले में लगने की
सबसे अच्छी वैरायटी में से ये भी एक है, जाबीरा नींबू, जिसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा संख्या में खेती होता है। तो इस नींबू के पौधे को भी अगर आप गमले में लगाते हैं तो 6 महीने के बाद इसमें भी फ्रूटिंग चालू हो जाता है। देखिए इस सितंबर के महीने में भी इसमें आपको फूल नज़र आ रहे हैं और फल भी नज़र आ रहे हैं इस नींबू के पौधे में, क्योंकि साल में 2 बार फूल आते हैं, जनवरी से फरवरी और सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो आप आसानी से इन सारे पौधे को लगाइए गार्डन में और उसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद गार्डन में लगने की सबसे अच्छी वेराइटी बालाजी 1 नींबू का पौधा होता है। यह नींबू थोड़ा बड़े आकार का होता है, रसीला होता है, तो इसकी कीमत 80 रुपये होती है। तो इसे भी अब अगर आप गार्डन में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आता है। देखिए इस सितंबर महीना में, क्योंकि इस महीना में भी फूल आने आता है सितंबर से अक्टूबर और जनवरी से फरवरी के, ये दो ऐसे महीने पौधे में फूल आते हैं। उसके बाद करण नींबू के पौधे को भी लगाइए, यह भी गमले में लगने की सबसे अच्छी वेराइटी होती है और इसकी कीमत 80 रुपये होती है और इसकी हाइट मिनिमम 4 फीट जाएगी दोस्तों। तो इस पौधे को भी आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, भी आपको साल में 2 बार फ्रूटिंग देगा इस सितंबर के महीने में। देखिए इसमें भी फ्रूटिंग अब चालू हो गया है। उसके बाद कागजी काल नींबू के पौधे को लगाइए, या गार्डन में लगने की सबसे अच्छी वेराइटी होती है। एक कागजी नींबू दोस्तों गमले में भी लगते हैं, लेकिन कागजी काल जो नींबू है इसे आप गार्डन में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें भी साल भर के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाती है और इसकी कीमत 120 रुपया है दोस्तों। इसमें भी फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और बड़े बड़े आकार में फल आते हैं। उसके बाद पूसा लेमन 1 नींबू के पौधे को लगाइए, या गमले में लग सकता है, लेकिन इसे अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो करता है और यह जमीन या गार्डन में ही लगने की सबसे अच्छी वैरायटी होती है। और ज़मीन में लगने से दोस्तों इसमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग चालू हो जाता है। तो आप इन सारे पौधे को पास के नर्सरी से ले आइए सितंबर के महीने में और गमले की वेल्ड्रिन मिट्टी बनाइए और पौधे को लगाइए, पौधे आसानी से लग जाएंगे और 6 महीने के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। दोस्तों नींबू के पौधे में फूल जब आते हैं तो झड़ जाते हैं, फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होते। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उस समय जब आपके फूल आए तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करना है और पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है, बर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद और नीम खली, इन सभी को मिक्स करके अगर आप देते हैं तो पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ होता है और जो कलियाँ आती है वह फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बात को नींबू के पौधे में आप ध्यान रखिए और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, अच्छे से फ्रूटिंग होगा और बहुत अच्छे से आपके प्लांट्स भी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। आप इन सारे नींबू के वैरायटी के पौधे को गमले एवं गार्डन में लगाइए, गमले की मिट्टी के वेल्ड्रेन बनाकर आसानी से लग जाएंगे, क्योंकि सितंबर का महीना में प्लांट्स लगाने के लिए वातावरण बहुत ही अनुकूल होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।